बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ ज़ाहिद इम्तियाज और आज हम क्लास 7 का मैथ को स्टडी करेंगे। और इसमें क्लास ऑनलाइन क्लास में जो हम क्लास पर डिस्कस करेंगे डेट इज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 1/2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी करेंगे हम। और आप लोगों का जो होमवर्क होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट होगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने ये सीखना है कि यूनियन ऑफ टू सेट किस तरह हम देखते हैं। मेरे पास एक सेट ए है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 है, और दूसरा सेट मेरे पास बी है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अगर मेरे पास अगर टू सेट ए है, ए और बी का यूनियन किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा ए यूनियन बी। जो यू मैंने ए और बी के सेंटर में मैंने यू लिखा है, उसकी मदद से हम ये यूनियन का सिंबल है, जो यू है वो इसमें यूनियन का सिंबल है। तो ए और बी सेट है तो इनका यूनियन किस तरह लिखेंगे, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर हमने ए यूनियन बी लेना है तो मैंने पहले सेट ए ले लिया, लिख लिया। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू फिर मैंने ये यूनियन का सिंबल यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये यूनियन का सिंबल आ गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सेट बी आ रहा है तो इधर मैंने सेट बी। ठीक है, तो ये ए सेट ए है तो ये सेट ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी, फिर ये यूनियन का सिंबल और फिर मैंने सेट बी की वैल्यू इधर पुट कर दी। अब यूनियन अगर आपने टू सेट का यूनियन लेना है तो उसमें क्या होता है, यूनियन में सेट ए के भी एलिमेंट्स होते हैं, सेट बी के भी होते हैं, सेट ए और बी दोनों के कॉमन भी होते हैं, जैसा कि 1 सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है, उसको भी मैंने राइट कर लिया। 2, 3, 4 तो ए और बी दोनों में कॉमन आ रहे हैं, उसको भी मैंने लिख लिया, 2, 3, 4 को भी लिख लिया। 5 जो है वो सेट ए में है लेकिन बी में नहीं है, उसको मैंने राइट कर लिया। जो 6, 7 सेट ए में बी में है लेकिन ए में नहीं है, उनको भी मैंने राइट कर लिया। तो जो यूनियन होता है उसमें आप क्या करते हैं, ए के भी एलिमेंट्स लिखते हैं, जैसा कि मैंने ए के एलिमेंट्स 1, 5 लिखे और बी के भी एलिमेंट्स 6, 7 लिखे, इसमें ए के भी एलिमेंट्स लिखते हैं और बी के भी लिखते हैं, और दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको भी हम राइट करते हैं। तो सेट ए यूनियन बी में सेट ए के भी एलिमेंट्स और बी के भी एलिमेंट्स, ए और बी के जो कॉमन होते हैं उनको भी हम राइट करते हैं। कॉमन कौन से हैं, 2, 3, 4, 2, 3, 4 दोनों कॉमन आ रहे थे, कॉमन मींस सेम एलिमेंट्स, दोनों को मैंने राइट कर लिया। लेकिन 2, 3, 4, 2, 3, 4 इनको आपने 1 टाइम राइट करना है, 2 टाइम राइट नहीं करना। इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, अगर हमने टू सेट का इंटरसेक्शन लेना है तो किस तरह लेते हैं, मेरे पास सेट ई है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सेट बी है 3, 4, 5, 3, 4, 6, 7, 8, तो मैंने इनका इंटरसेक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो मैंने इन्वर्टेड यू लिखा है ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है, तो दो सेट का इंटरसेक्शन किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और आगे इंटरसेक्शन लेते हैं तो मैंने पहले सेट जी सेट ए लिख लिया। ठीक है, और उसके बाद इंटरसेक्शन का सिंबल और फिर मैंने सेट बी। ठीक है, अब जो इंटरसेक्शन होता है वो उसमें सिर्फ दोनों एलिमेंट से कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स हम लिखेंगे, कॉमन कौन से हैं, 3 है, 3 ए में भी है और बी में भी है, 3 कॉमन है, 4 ए में भी है बी में भी है, 6 ए में भी है और बी में भी है, 2, 3, 4 ये कॉमन है, तो इसको मैंने तो ए इंटरसेक्शन बी में जस्ट हमने ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखना होता है। ठीक है, अगर हम 1, 2 को देखें तो 1, 2 ए में है लेकिन बी में नहीं है, उसके बाद 5 में 5 ए में है लेकिन बी में नहीं है, और इसमें से
1, 2, 5 को नहीं देखेंगे। इसके बाद अगर हम इसको देखें, ए में देखें, बी में देखें, 7, 8 बी में है लेकिन ए में नहीं है, इसमें 7, 8 को हम नहीं देखेंगे। तो इंटरसेक्शन में जस्ट हम दोनों एलिमेंट्स ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन मीन्स सेम एलिमेंट्स, तो सेम कौन से आ रहे हैं जिनको मैंने रेड कलर किया है, 3, 4, 3, 4, 6, 3, 4, 6 ठीक है। आगे हमने सेट पे कुछ ऑपरेशंस हम यूज करते हैं। जो पहला ऑपरेशन हम सेट पे यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉमोटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। कॉमोटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है? कॉमोटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए यूनियन बी से क्या मुराद है? ए यूनियन बी से ये मुराद है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए से ये मुराद है ए यूनियन बी का जो आंसर है वो इक्वल होगा बी यूनियन ए के। ए यूनियन बी लेफ्ट साइड पर आ रहा है इसे कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और बी यूनियन ए राइट साइड पर आ रहा है इसे कहेंगे राइट हैंड साइड। तो ए यूनियन बी का आंसर और बी यूनियन ए का आंसर इक्वल होगा, देन हम कहेंगे ए जो सेट ए है और जो सेट बी है वो कॉमोटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को होल्ड कर रही है, ठीक है। इसके बाद कॉमोटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इज इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। इसका मतलब क्या है? इक्वल होने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर और बी इंटरसेक्शन ए का जो आंसर है वो सेम होना चाहिए। अगर ए इंटरसेक्शन बी का आंसर और बी इंटरसेक्शन ए का आंसर सेम आता है, देन हम कहेंगे ए और बी दोनों कॉमोटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को होल्ड कर रहे हैं। स्टूडेंट आगे हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें वेरीफाई करके क्या करना है, हमने वेरीफाई ये करना है, इसका ए पार्ट पहले डिस्कस करेंगे। ए पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल है बी यूनियन ए के, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स हमें गिवन है सेट ए के, सेट ए गिवन है हमें, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट्स 1 से 10 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेट ए के एलिमेंट्स मुझे 1 से 10 तक गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है। और सेट बी के एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल है बी यूनियन ए के। इसका मतलब क्या है, हमने ये प्रूफ करना है ए यूनियन बी का आंसर और बी यूनियन ए का जो आंसर है वो क्या है, सेम है। पहले हम ए यूनियन बी को करते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है, तो इसको कहेंगे ए यूनियन बी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को पहले प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, ए यूनियन बी के इक्वल है, ठीक है। इसको लिए मैंने क्या किया, मैंने सेट ए और सेट बी की वैल्यू पुट कर दी। कैसे, कि मैंने सेट ए की वैल्यू पुट की है, ठीक है, और उसके बाद ये यूनियन का सिंबल और ये मैंने सेट बी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। जो ए यूनियन बी का जो आंसर है वो ए यूनियन बी का आंसर मेरे पास क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ए यूनियन बी में क्या करते हैं, हम ए यूनियन बी में हम तीन तरह के एलिमेंट्स लिखते हैं, सेट ए के भी एलिमेंट्स लिखते हैं, सेट बी के भी एलिमेंट्स लिखते हैं, ए और बी दोनों में जो कॉमन आ रहे होते हैं वो भी हम लिखते हैं। अब मैं इसको देखता हूँ, देखते हैं हम 1, 5, 6 जो 1, 5, 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सिर्फ ए में आ रहे हैं, तो उसको मैंने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 11, 12 ये सिर्फ बी में आ रहे थे, उनको मैंने लिख लिया, ठीक है। मैंने ए के भी एलिमेंट्स लिख लिए और बी के भी एलिमेंट्स लिख लिए। उसके बाद 7, 8, 9, 10 ये दोनों में कॉमन है, इनको भी लिख लिया। तो ए यूनियन बी में ए के भी बी के भी और ए और बी दोनों में जो कॉमन होते हैं यानी कि जो सेम होते हैं उनको भी हम राइट करते हैं। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली। उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, बी यूनियन ए। बी यूनियन ए करते हुए हमने पहले क्या करना है, पहले मैंने बी सेट ए वैल्यू लिख ली, ठीक है।
उसके बाद फिर मैंने यू का सिंबल लिखा। यू का सिंबल, यूनियन का सिंबल लिखने के बाद मैंने क्या किया, सेट ए की वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी। ठीक है, अब ए यूनियन बी का आंसर क्या होगा, बी यूनियन ए का आंसर क्या होगा, बी यूनियन ए का आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होगा। ये कैसे आया, 1 5 6 ए में है तो मैंने इसको राइट कर दिया। ठीक है, उसके बाद 11 12 डी में है तो मैंने इसको राइट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद 7 8 9 10 ये दोनों में कॉमन आ रहे थे, उसको मैंने राइट कर दिया। तो यूनियन जो होता है वो ए और बी के एलिमेंट्स के भी पे भी कंसिस्ट होता है, ए और बी दोनों में जो कॉमन होते हैं उन पे भी कंसिस्ट होता है। अगर हम इस, ये बी यूनियन ए का आंसर आ गया। ठीक है, अगर हम इसको चेक करें, बी यूनियन ए और ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, दोनों का आंसर सेम है तो हम लिख सकते हैं बी यूनियन ए यूनियन बी, बी यूनियन ए दोनों, ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। जैसा कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का जो आंसर है वो सेम आया है तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल है बी यूनियन ए। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या करना है, अब हमने क्वेश्चन नंबर जो वन है, क्वेश्चन नंबर वन का अब मैंने ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट किया है मैंने, अब मैंने क्वेश्चन नंबर वन का ये बी पार्ट करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, इसका बी पार्ट करते हैं हम। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट में ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए के। ए इंटरसेक्शन बी ये लेफ्ट हैंड साइड है, बी इंटरसेक्शन ए ये राइट हैंड साइड है। ए इंटरसेक्शन बी क्यों लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि लेफ्ट ये लेफ्ट लेफ्ट साइड पर आ रहा है, तो बी इंटरसेक्शन ए ये राइट साइड पर आ रहा है, तो इस वजह से हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और बी इंटरसेक्शन ए को कहेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन हम किस तरह लिखते हैं, ये ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स, ठीक है, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे लेंगे, पहले मैंने जो ए के एलिमेंट्स लिख लिए, ठीक है, और फिर ये इंटरसेक्शन का मैंने सिंबल लिखा, ठीक है, जो इन्वर्टेड यू है वो इंटरसेक्शन का सिंबल है, और फिर मैंने ये बी के एलिमेंट्स लिखे। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में मैंने ए जो इंटरसेक्शन होता है वो सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स पे कंसिस्ट होता है, ए और बी में जो कॉमन होते हैं, कॉमन मीन जो सेम होते हैं उनको हम राइट करते हैं। ठीक है, जो 1 5 6 है, अगर हम इन 1 5 6 को देखें, जो 1 5 6 1 1 2 3 4 5 6 ये सिर्फ ए में आ रहे हैं, बी में नहीं है, इनको हम राइट नहीं करेंगे। उसके बाद 11 12 ये सिर्फ बी में है, ए में नहीं है, यानी कि 11 12 कॉमन नहीं है, इनको राइट नहीं करेंगे। उसके बाद जी 7 8 9 जो कॉमन है उनको मैंने कलर कर दिया, 7 8 9 10 7 8 9 10 जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं इनको मैंने क्या कर दिया, राइट कर दिया। तो 7 8 9 10 ये क्या है, कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कॉमन एलिमेंट पे कंसिस्ट होता है। ये मैंने इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की है, ठीक है, अब मैं इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करता हूँ, तो इसकी राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन ई। ठीक है, ये करते हुए तो मैंने पहले क्या करना है, पहले मैंने बी के एलिमेंट्स, ठीक है, बी के एलिमेंट्स लिख दिए, बी इंटरसेक्शन ई होगा तो पहले बी के फिर ए के लिखेंगे। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन ए पहले मैंने बी के एलिमेंट्स लिखे, फिर मैंने इंटरसेक्शन का ये सिंबल और फिर मैंने ये ए के एलिमेंट्स लिखे। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए में ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। ठीक है,
कॉमन इसमें कौन से हैं जो मैंने कलर किए हैं, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, जो रेड कलर में है, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, तो जो रेड कलर में ये दोनों कॉमन है तो मैंने ये लिख दिए। 11, 12 ए, अगर हम 11, 12 को देखें ये बी में है लेकिन ए में नहीं है, उसको राइट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये ए में है लेकिन बी में नहीं है, इनको राइट नहीं करेंगे। तो इंटरसेक्शन में जस्ट कॉमन लिखते हैं, कॉमन कौन से हैं जो मैंने रेड कलर किए हैं, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10। स्टूडेंट देखें ए यूनियन बी का जो आंसर है, ठीक है, और बी यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है और बी इंटरसेक्शन ए का आंसर दोनों सेम है। अगर दोनों सेम होंगे तो हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के, ये हमने प्रूफ कर दिया। अगर ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है देन हम कहेंगे ए और बी ये कॉमोटेटिव लॉ को होल्ड कर रहे हैं। आप लोगों का जो होमवर्क है इस ऑनलाइन लेक्चर में, मैंने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 2 में आपने दोनों पार्ट्स करने हैं, ये ए भी ए पार्ट भी करना होता है और बी पार्ट भी। ए के ए पार्ट क्या है, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, और बी यूनियन बी पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। बी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का जो होमवर्क होगा, आप लोग जिस बच्चे के पास बुक नहीं है वो यहाँ से क्वेश्चन को देख के इसकी जो टर्म्स है वो लिख सकता है, ठीक है। तो आप लोगों का क्लास वर्क भी आपने अपनी नीट कॉपी पर नोट करना है, ठीक है। और जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट होगा। लव यू।